हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देख लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। जैसे कि होता क्या है, वो स्टेटस अपलोड करता है और जब आप सीन करते हैं तो उसको पता लग जाता है कि आपने उसका स्टेटस देखा है। अब आप ये सोचते हैं कि मैं उसका स्टेटस देख भी लूँ और उसको पता भी नहीं चले, तो ये वीडियो आपके लिए। इसी में मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप बिना कोई एप्लीकेशन के, कोई भी आपको झंझट नहीं करना है, ना कोई वेबसाइट पे जाना है, आप व्हाट्सएप में रह कर किसी का भी स्टेटस देख लेंगे, उसको पता तक नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके आपको बता देते हैं। तो आज हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसे आपको फेस कैम बता देते हैं, अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाके आपको लाइव प्रूफ मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ पास मैं वो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पास आपको देखिए स्क्रीन पर दो व्हाट्सअप दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, अपने स्टेटस पे जाता हूँ और यहाँ पास मैं माई स्टेटस पे जाकर यहाँ पास कुछ स्टेटस लगा देता हूँ। जैसे कि कोई बंदा या बंदी स्टेटस लगाती है यहाँ पास से, जैसे कि यहाँ पास देखिए मैं वही काम कर रहा हूँ, स्टेटस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने 3-4 फोटो ले लिया है, 5-6 फोटो ले लूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी फ़ोटो ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर दूँगा तो यहाँ से देखिए ये देखिए जस्ट नाउ करके अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होता है कि आप जब जाते हैं स्टेटस देखते हैं यहाँ से, तो उसको पता चल जाता है कि आपने उसका स्टेटस देखा है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में स्टेटस देखने से पहले आपको जाना है अपने 3 डॉट्स पर, उसके बाद सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट पर जाना है। अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर जाना है। सिर्फ प्राइवेसी पर जाएंगे और देखिए यहाँ पास एक ऑप्शन रहेगा रीड रिसिप्ट नाम से, ठीक है। इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। जैसे आप इसे ऑफ करेंगे उसके बाद आपको बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद अब यहाँ से आप उसका स्टेटस देख लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पास मैं स्टेटस ओपन करता हूँ उसका और यहाँ पास से मैं वो स्टेटस सीन कर देता हूँ सब, ठीक है। तो यहाँ पास मैं सारा स्टेटस सीन करूँगा, ऐसा नहीं कि कोई भी छोड़ दूँगा। तो यहाँ पास मैं सारा स्टेटस यहाँ पर देखिए सीन कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पास मैंने सारा स्टेटस सीन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, इस पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए 0 व्यूज़ है। अगर मैं वो रेट वाला ऑप्शन जो अगर ऑन कर रखे रहता, तो यहाँ पास व्यू आने लगती कि एक बंदे ने देख लिया है, ठीक है, इसी में से। तो यहाँ मैंने जब रीड रिसिप्ट को ऑफ किया है, तो यहाँ से आप जाए जितनी बार भी उसका स्टेटस देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाए जितनी बार भी स्टेटस देखेंगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। उसको देखिए, चाहे हम बैक करके आपको फिर से रिसेंट पेज क्लोज करके यहाँ पास मैं फिर व्हाट्सअप ओपन करता हूँ, यहाँ पास मैं स्टेटस में जाता हूँ, यहाँ पर तब भी देखिए 0 व्यूज़ दिखा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने उसका स्टेटस देखा, उसको पता भी नहीं चला। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और रीड रिसिप्ट वाला ऑप्शन जो है उसको ऑफ करके रखना है, तभी आप उसका स्टेटस देखेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे कि आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देख लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो नीचे में बताइएगा जरूर कैसी लगी वीडियो, अच्छी वीडियो एक लाइक दीजिएगा, आपने ज़्यादा शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर लिया, उससे क्या होगा मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।